तो दिल पे बहुत भारी पत्थर रखे मैंने वो चॉकलेट मिल्कशेक ऑर्डर कर लिया बिकॉज अगर नहीं ऑर्डर करता तो फालतू का इज्जत का फालूदा होता और वो वो सत्रह साल के अमन को नहीं देखना था बिकॉज ईगो वॉज वेरी इंपॉर्टेंट मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे जिंदा यार काफी तो जैसे ही मैंने मेरे कल के में बोला था कि एज आर पासिंग चालू करने का टाइम है वो थोड़ा थोडा सा ब्लॉग वो भी मैं थोड़ा सा बिकॉज आई एम वेरी वेरी स्लीपी क्योंकि शूट करो उसको एडिट करो वापस शूट करो एडिट करो ये पिछले आठ दिन से करो ना तो अभी नींद आ रही है आज अपना खाली स्टोरी टेलिंग वाला व्लॉग है जो बहुत ज्यादा ऐसा फ़नी कह सकते हैं और पता नहीं बहुत अजीब सा मेरा एक्सपीरियंस था इन दिस वीडियो आई वॉन्ट टू शेयर माय फर्स्ट एवर टिंडर मैच वाला एक्सपीरियंस कि कैसे हुआ था और क्या हुआ था और अगर आपने लाइफ में कभी भी टिंडर यूज़ किया था देन ट्रस्ट मी दिस वीडियो विल बी वेरी वेरी वेरीटेबल फॉर यू बट ओनली इफ यू हैड गॉट अ मैच बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनको मैचेज नहीं आते इंक्लूडिंग माई सेल्फ वो पता नहीं उस टाइम पे कैसे गलती से मेरे को एक दो मैचेज आ गए थे बट but... ठीक है

सो so, हेलो नमस्ते सत्याकाल केम चू एंड वेलकम बैक टू माई चैनल तो ये वाली जो कहानी है ना ये मेरी नहीं है लेकिन ये कहानी है सत्रह साल के अमन की जिसने पहली बार अपनी जिंदगी में टेंडर डाउनलोड किया था क्योंकि एक फ्राइडे नाइट को उसका दोस्त उसको आके बोलता है कि भाई मैं भी डेट कर रहा कराओ एंड आई एम इन अ रिलेशनशिप जब ये अमन ने सुना सत्रह साल के अमन ने जब ये सुना तब उसका दिल है ना बैठ गया और उसने सोचा कि साला मेरी जिंदगी कितनी ज़्यादा खोखली है मेरे पास ना ही कोई प्यार है मेरी जिंदगी में कुछ एक्शन नहीं है कुछ भी नहीं है मैं कर क्या रहा हूँ जिंदगी में और तब उसके दिमाग में ना क्लिक कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं ना तब साउथ बॉम्बे के लड़कों के लिए ना सिर्फ एक रास्ता खुला होता है वो होता है टेंडर <laughs> तो अपने भाई ने फटाफट उसी रात टिंडर को डाउनलोड कर दिया बिकॉज टिंडर दैट टाइम वॉज लाइक वन ऑफ द मोस्ट फेमस मोटीकेशन ऑल ऑफ माई फ्रेंड टू यूज एंड मतलब हर किसी को कुछ ना कुछ मैच मिल ही रहा था तो भी को भी को अंदर से होप जागी कि यार इफ शायद मैच मिल जाए जो मुझे मिला बट नाउ आई रिग्रेट कि वो मैच मुझे क्यों मिला और मैंने ये सब हरकतें की क्यों सो अगेन गेटिंग बैक टू द स्टोरी सो आई डाउनलोड टिंडर दैट नाइट और स्टार्टिंग में जब आप ओपन करते हो ना उस एप्लीकेशन को तो आपको बोलते कि पुट योर स्मार्टेस्ट पिक्चर्स और जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे दिमाग में पहला क्वेश्चन आया कि yeah <laughs> स्मार्टेस्ट पिक्चर्स तो बहुत दूर की बात है मेरे पास ढंग के पिक्चर्स तक नहीं है तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो गया कि अब क्या करूँ बट देन सम मैंने उस दिन यू you नो know, थोड़ा बहुत अपना फोटोग्राफी किया थोड़ा एडिटिंग वगैरह किया जितना मेरे को वो टाइम पर आता था बहुत भलता एडिटिंग था बट ठीक है मैंने जैसे तैसे करके मैंने फोटोज डाल दिए एंड आई स्टार्टेड स्वाइपिंग राइट 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 जो भी आ रहा है राइट 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 मतलब समझ रहे हो ना भाई की थोड़ा दर्द समझो तो मैं राइट right स्वाइप करते गया लेकिन पहले के दो दिन तो एक भी मेरे को मैच आया नहीं और मेरे को लगा भाई ये अपने काम का है नहीं अपनी जिंदगी झंडे छोड़ दो सब कुछ लेकिन फिर दो दिन के बाद फाइनली मेरे को एक मैच आ ही गया और जैसे ही वो मैच हुआ ना ऐसा दिल के अंदर धक 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 बढ़ गया और मैं पूरा उदय चोपड़ा बन गया धूम वाला अब जिसको एक रेफरेंस समझेगा उसको समझेगा जिसको नहीं समझेगा उसको तो जब कभी भी टिंडर पे मैच होता है तो आपको ऑप्शन मिलता है कि आप उसको टेक्स्ट कर सकते हो अनलाइक अदर डेटिंग एप्स उसके ऊपर क्या होता है कि द गर्ल हैज टू टेक्स्ट सामने से और द गाय हैज टू टेक्स्ट वैसा सब होता है बट टिंडर पे कोई भी कर सकता है तो जैसा अपना मैच हो गया ना अपन ने भाई सबसे पहले हाई भेजा ठीक है बिकॉज एक सत्रह साल का टीनेजर और किसी भी तरीके से कन्वर्जेशन शुरू नहीं कर सकता है तो मैंने उसको सिर्फ भेजा एच आई डॉट वो डॉट मैंने क्यों लगाया मुझे आज तक पता नहीं बट वो डॉट मैंने ज़रूर लगाया एंड विद इन आई गेस वन आर और टू आवर सामने से मेरे को रिप्लाई आया हाए और उसके अंदर चार आए थे एच आई 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 आए तो उसने मतलब सामने से थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया और ये पढ़ के मैं थोड़ा और ज़्यादा नर्वस हो गया बिकॉज अब अब आगे क्या बोलूँ मतलब मुझे पता ही नहीं आगे करना क्या बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट टाइम तो मैंने उसको सीन पर छोड़ दिया क्यों करता है मन तू ऐसा क्यों लेकिन फिर मैंने थोड़ी बहुत हिम्मत जुटाई और मैंने उसको वापस से टेक्स्ट बैक किया थैंक्स टू ऑल माय फ्रेंड्स जिन्होंने भी वो टाइम पे मेरे को ऐसा सजेशन दिया कि क्या करना है फिर मैंने उससे थोड़ी बातचीत की कि तुम कहा रहते हो व्हाट्सअप हाउ व्हाट डू यू डू हाउ आर यू एंड फलाना बहुत सारी हमारी टिंडर पर बातें हुई एंड जब उसने वापस से मेरे को टेक्स बैक करना चालू किया ना तो मैंने एक चीज़ नोटिस की जो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी वो ये थी कि शी यूज टू टाइप लाइक दिस और जब भी कोई ऐसे टाइप करता है ना तो तो मेरे को पर्सनली बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है एंड मेरा सिर्फ एक ही सवाल रहता है जो लेटर्स तुमने खा लिए इस पर्टिकुलर लाइन में वो क्यों मतलब ऐसा क्यों कर रहे हो तुम्हें घर पे खाना नहीं मिल रहा है और यहाँ राशन कम हो रहा है या क्या सीन हो रहा है प्लीज बताओ मुझे तो ऐसे तो कभी कभी टाइप नहीं करने का तो ये पढ़ने के बाद मेरे को लगा कि यार शुड आई अनमैच दिस गर्ल और शुड आई कंटिन्यू बिकॉज बंदी दिखती बहुत अच्छी थी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी इवन इन रियलिटी शी वॉज वेरी प्रिटी और ऐसे फोटोज में भी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज होगा कि अब क्या करूँ बट मेरे अंदर के उदय चोपड़ा ने बोला कि ठीक है ना यार जिंदगी भर टाइपिंग थोड़ी करनी है फेस टू फेस बात करनी है तो रहने दे कंटिन्यू कर कन्वर्जेशन फिर दो दिन तक हम टिंडर पर ही बात करते हैं तीसरे दिन तीसरे दिन एक ऐसी चीज हो गई जो ऐसे सत्रह साल के अमन को अगर मैं पूछू ना तो वो उसका दिल ऐसा गार्डन गार्डन और फुल बाग बाग हो गया वो ये थी कि वो बंदी ने सामने से उसका व्हाट्सएप नंबर दे दिया और अमन ने वो नंबर लेके अपने फोन में सेव करके व्हाट्सएप पे हाय भेजा एंड ट्रस्ट मी जब कभी भी आप किसी से व्हाट्सऐप पर बात करो थ्रू टिंडर इट क्लियरली मीन्स के सामने वाला बंदा भी इंटरेस्टेड है और तुम भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो वैसा होने लगा तो अमन बहुत ज़्यादा खुश होने लगा तो अब जब व्हाट्सएप पे बातें हो रही थी तो हाय हेलो हाउ आर यू से अभी बातें थोड़ी आगे बढ़ रही थी एंड हम हमारे लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में बात कर रहे थे लाइक दोस्त टिपिकल टीनेजर्स जो 16-17 साल के टीनेजर्स होते हैं आई नो अ लॉर्ड ऑफ माय व्यूअर्स आर ऑफ़ दैट एज ग्रुप तो आपको पता ही होगा कि आप कैसे बात करते हो तो बस उसी तरीके से मेरी व्हाट्सएप पर भी बातें शुरू हो गई और फिर एग्जैक्टली exactly दो दिनों के बाद मेरे को एकदम अच्छे से याद है एग्जैक्टली दो दिनों के बाद जो सत्रह साल का अमन था उसके दिमाग में ये आइडिया पॉपअप हुआ कि चलो इसको मिल लेते हैं एक बार और देख लेते हैं कि बातचीत कैसे होती है और वाइब मैच होती है कि बिकॉज देखो यार वाइब का तो मैं बचपन से फैन हूं अगर वाइब मैच हो जाए ना तो जिंदगी तो देन आई टेल टेल हर चलो लेट्स यू मी द प्लेस मुझे लगा नॉर्मल कोई रेस्टोरेंट में बोलेगी लेकिन लेकिन उसने मेरे को बोला अमन लेट्स मीट एट स्टारबक्स 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 और भाई सत्रह साल का अमन टेंशन में आ गया कि अब स्टारबक्स कैसे जाएगा बिकॉज वो टाइम पे सी भी अपने लिए अफोर्डेबल नहीं था और स्टारबक्स तो मतलब ऐसा था कि अगर कभी जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ काम करना होगा तभी ही स्टार जाऊंगा तो मैं कन्फ्यूज़ हो गया कि यार अब क्या बोलूँ क्योंकि अगर ना बोल दूंगा स्टारबक्स के लिए तो मेल हीगो हर्ट हो जाएगा और अगर हाँ बोल दूंगा तो पैसे तो है नहीं तो जाए कैसे तो बड़ा ऐसा सोच विमर्श करने के बाद मेरे को लगा कि चल जाके बैठ जाऊंगा कुछ ऐसा ही सौ रुपए का खरीद लूंगा मेरे को पता नहीं था स्टारबक्स इज सो कॉस्टली कि

कोई क्यों करता है यार मतलब क्यों क्यों लाइक शी वॉज एक्जैक्टली द वे शी वॉज टाइपिंग वेन आई सोर ऑन टिंडर शी वॉज वेरी प्रिटी मेरे को बहुत अच्छी लगी जब मैंने उसे रियल में देखा तभी भी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी उसकी व्हाट्सएप डी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी लेकिन जब उसने बातें करना शुरू किया तब वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं था बिल्कुल भी नहीं और इतना ज्यादा फेक एक्सेंट था उसका इतना फेक एक्सेंट था मतलब वो टिपिकल साउथ मुंबई वाला एक्सेंट था कि उसको पता है कि ये फेक है फिर भी वो खाली दिखाने के लिए फेक बिहेव कर रही है एंड दैट थिंग वॉज लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा गुस्सा है कि भाई इतना फेक क्यों बिहेव कर रही है एंड जैसे जैसे हमारी बातें आगे बढ़ रही थी ना मेरा इंटरेस्ट ऐसा कम होते जा रहा था और मेरे को निकलना था वहां से क्योंकि पहले से सारा एक का मेरे को फटका लगा एक भी नहीं था टैक्स लगा के दो हो गया था वो टाइम पे तो दो का मेरे को पहले से फटका लग गया उसके बाद ये चपड़ चपड़ करते जा रही है फेक एक्सेंट के अंदर कुछ भी अपना शो ऑफ कर रही है मेरे पास ये है मेरे पास वो है ये है और भाई दिमाग का दही हो गया पूरा तो जैसे तैसे मर मर के अंदर रो रो के मैंने वो दो घंटे निकाल दिए एंड देन आई सेट करके मेरे को कहीं बाहर जाना है और मैं निकल गया सीधा सुमड़ी में वहां से निकल गया और घर पे आया दैट डे आई रियलाइज वन थिंग के कि बॉस आई वॉज फॉलिंग फॉर समथिंग विच इज नॉट ट्रू जो आउटर ब्यूटी है मैं उसके पीछे भाग रहा था बट जब उसने बात किया था मुझे रियलाइज हुआ कि यार नहीं यार वाइब मैच ही नहीं हो रहा सो दिस इज दिस इज अ प्रॉब्लम विद अ लॉट ऑफ टीनेजर्स तो अभी अमन थोड़ा ज्ञान बांटेगा वो ये है कि जो मैंने ये पोल डाला था दैट वॉज फॉर दिस वीडियो